students, how are you? I think you will be fine and safe. Okay, today we are going to study about two parts of determiner, numeral determiner and articles. In our last video, we had learnt about possessive, demonstrative and quantitative. Today we are discussing about numeral and articles. First of all, numeral determiner. न्यूमरल डिटरमिनर आर टू टाइप्स, डेफिनेट इंडेफिनेट. न्यूमरल दिखाई दे रहा है कि नंबर को शो कर रहा है, वो डिटरमिनर जो नंबर को शो करते हैं न्यूमरल डिटरमिनर होते हैं. वन टू थ्री फर्स्ट सेकेंड, ये न्यूमरल है, ठीक है, सभी ये नंबर्स को दिखा रहे हैं. इंडेफिनेट में देखिए, अभी देखो, आई हैव वन रुपीज, देर आर टू बैग्स इन द रूम, ठीक है, आई गॉट फर्स्ट पोजिशन, ही वॉज सेकेंड. तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि नंबर को शो कर रहा है, डेफिनेट है, वही सेकंड फर्स्ट जो भी है कुल मिलाकर, तो ये नंबर को शो कराए, लेकिन डेफिनेट है. कुछ ऐसे चीज़ें वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं और वो इंडेफिनेट होते हैं, ऑल, सम, नो, मैनी, सारे इंडेफिनेट हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम जो इन चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे आई हैव सम रुपीज, देर इज नथिंग, मैनी स्टूडेंट्स आर आउटसाइड द रूम. तो यहाँ पर देखो मैनी है, मैनी में कुल है, बहुत सारे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा है, ठीक है. तो यहाँ पे इंडेफिनेट, लेकिन है न्यूमरल्स कौन से, न्यूमरल डिटरमिनर, ठीक है. यहाँ पे आर्टिकल्स, अब देखिए आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट और दो इंडेफिनेट. यानी इंडेफिनेट में टू टर्म्स होती हैं, ए और एन होते हैं, और द में सिर्फ डेफिनेट. अब सीधी सी बात है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट. इंडेफिनेट में दो होते हैं, ए और एन. अब इनका यूज़ कहाँ होता है, ये इनका यूज़ हमें पता है, सीधी सी बात है कि ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं, ठीक है. और नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो इनका एक रूल होता है कि वोवल साउंड अगर जिस नाउन का इनिशियल लेटर वोवल साउंड क्रिएट करता है, वोवल साउंड प्रोड्यूस प्रोनाउंस करता है, तो वहाँ पर एन यूज़ होता है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहाँ पर ए यूज़ होता है. अब देखिए वोवल साउंड कैसे हम कह सकते हैं, आई हैव डैश पेन, तो यहाँ पे आप हैं. अब यहाँ पे ये नाउन है तो इसका इनिशियल लेटर पी जो है कंसोनेंट, कंसोनेंट जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी में, और वोवल होते हैं स्वर. यानी ये फाइव जो हैं हमारे ग्यारह स्वर को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आई हैव अ पेन, ही हैड एन ओनियन, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ओनियन, ओ की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, फाइव जो हमारे वोवल्स होते हैं और 21 हमारे कंसोनेंट होते हैं. तो अगर हमारा जो नाउन है वो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे पहले हम आई यूज़ करेंगे. अगर हमारा जो नाउन है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो यानी इनिशियल लेटर, वोवल तो बीच में भी होंगे लेकिन हमारा इनिशियल पॉइंट हमारा नाउन को शो, सॉरी वोवल को शो कर रहा है, तो हम उसके साथ एन आर्टिकल लगाएंगे. अब देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें भी हो जाती है, जैसे कई बार क्या होता है, अभी देखो आ किसके लिए होता, कॉमन नाउन के लिए होता है, प्रोफेशन के लिए होता है, कम्युनिटी के लिए होता है, तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब देखिएगा यहाँ पर माई फादर इस डैश एस डी ओ, तो ये देखिएगा एस. अब यहाँ पर हमें ये है तो वैसे कंसोनेंट, लेकिन हम इसको एस डी ओ ऐसे पढ़ेंगे, एस डी ओ ऐसे पढ़ेंगे, तो साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो ए हमारा क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे. थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले बात ही हमारी क्या है कि हमारी किसकी, वोवल साउंड, कंसोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ मैं, नॉट ओनली वोवल, नॉट ओनली कंसोनेंट, साउंड भी साथ में मैं बोल रही हूँ. तो साउंड यहाँ पे साउंड किसकी है, ए, यानी एस टी ओ, माई फादर इज एन एस टी ओ, तो यहाँ पे एन आएगा. अब देखो ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, अब यहाँ पे देखना ऑनेस्ट, अब यहाँ पे क्या है, ये एच है, लेकिन एच साइलेंट है, एच एक कंसोनेंट है, हम सोच सीधी सी बात है कंसोनेंट के साथ, कंसोनेंट साउंड के साथ हमने ए लगाना, लेकिन साउंड यहाँ पे एच की नहीं आ रही, ओ की आ रही है, ओ वोवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या लगाएंगे, एन, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. क्लियर स्टूडेंट्स? अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो कंसोनेंट साउंड होती हैं उनमें भी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनके साथ हमने आई यूज़ करने होते हैं, यानी वोवल साउंड, जैसे आई रीड इन डैश यूनिवर्सिटी,
ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, आई रीड इन डैश, अगर हमने यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी यू यू वाई साउंड, वाई को वाई एक कंसोनेंट है, यू य से स्टार्ट होता है वाई, जिसको ये नहीं हम क्या कह सकते हैं ये कंसोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आ, आई रीड इन आ यूनिवर्सिटी, क्लियर। तो हमने ये भी देखना है कि हमारी साउंड जो है वो कंसोनेंट की है या हमारे वोवल की है, तो इनको देखकर हम इनको फिल करेंगे, क्लियर। अब आगे चलते हैं दा, दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और इसको ये यूज़ करने से पहले हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले है बिफोर द नेम ऑफ, ये किस किस के सामने, यानी नाउन, सीधी सी बात है नाउन तो होगा तो ये हमारे प्रॉपर नाउन होने चाहिए, प्रॉपर नाउन यानी डेफिनेट होना चाहिए। अब प्रॉपर नाउन हमें पता है कि जो नेमिंग के साथ होते हैं, ठीक है, नेमिंग के साथ हम इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें द, द किसके साथ, न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इस तरह से मैगजीन है द, जैसे द इंडिया टुडे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका नेमिंग, यानी हम इस चीज़ को महसूस करें कि ये हमारे नेम है, तो मैगजीन का नाम, रिवर जैसे गंगा तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, होली बुक, कोई भी होली बुक जो बहुत पवित्र है जैसे गीता, रामायण, महाभारत, ठीक है, बाइबल, तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, होली बुक, तो इनके पहले द आएगा, द गीता, द गंगा, ठीक है। माउंटेन रेंज, अब देखिए अकेला माउंटेन नहीं होना चाहिए, हिमालय नहीं होना चाहिए, हिमालयाज, शिवालिक्स, अरावलीज, ठीक है, तो इस तरह से उनकी रेंज होनी चाहिए, नॉट ओनली ओनली माउंटेन, ओनली माउंटेन के साथ हम क्रॉस लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे सिर्फ, ठीक है, और हिमालयाज, अरावलीज, शिवालिक्स, इस तरह से हमारे जो माउंटेन रेंज होती हैं एस जिसके साथ होता है, यानी प्लूरल फॉर्म को दिखाता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे द, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे अंडेमान्स, निकोबार्स, इस तरह से उस ग्रुप के साथ हम क्या लगाएंगे द, जैसे अंडेमान्स, ठीक है, तो मांस यहाँ पे अंडेमान नहीं, अंडेमान्स, निकोबार्स, सीजन जैसे विंटर है, समर है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे द, क्लियर। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है जैसे मोस्ट है, ठीक है, बेस्ट है, जो लास्ट वाली डिग्री होती है, स्ट्रोंगेस्ट है, इस तरह से हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो शो करता है कि हम उसके साथ द लगाएं। स्पेशल अवार्ड जैसे द भारत रत्न, ठीक है, द परमवीर चक्र, तो इस तरह से इस तरह के वर्ड के साथ हम द लगाएंगे। सीजन है, द विंटर है, द समर है, ये सॉरी पहले आ चुका है। सेलेस्टियल बॉडी, अब जैसे जैसे मून, द मून, द अर्थ, ठीक है, अर्थ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे द, द स्टार्स, द स्काई, इस तरह से डायरेक्शन हमारे क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ हम द यूज़ करेंगे, क्लियर है। स्पेशल बिल्डिंग है जैसे द ताजमहल है, द जामा मस्जिद है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, या इस तरह से जो वर्ड आते हैं, ठीक है, तबला है, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ, सीज और ओशियन जैसे द अरबियन सी, द रेड सी, तो इस तरह से इनके साथ हम द लगाएंगे। तो ये हमारे आर्टिकल हैं जो डेफिनेट है, डेफिनेट वर्ड के साथ लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से द ओशियन, इस तरह से, क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन।